Good morning students, welcome to our learning classes. So in 12 commerce we are discussing the first chapter of part 2, that the chapter name is probability. So today we will discuss about the conditional probability. Before discussing about the conditional probability, first of all we will discuss the law of addition of probability. So the rule of obtaining probability of the occurrence of at least one of the event A and B in the sample space of random experiment is called the law of addition of probability. That means हमारे पास सैंपल तौर सैंपल स्पेस के तौर पर अगर कोई दो इवेंट है ए एंड बी, तो इवेंट ए एंड इवेंट बी में से एटलीस्ट वन इवेंट का अकरंस अगर है, सो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. या मीन्स कि ए और बी इवेंट्स में से दोनों में से कोई एक इवेंट का अकरंस अगर है, सो दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी फाउंड बाय द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, द यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी. सो देयर इज अ वन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी. ए अगर ए और बी में से अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है, सो दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी फाउंड पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नाउ इफ वी आर हैविंग मोर देन टू इवेंट्स, दैट मीन्स अगर ए और बी और सी इवेंट भी है हमारे पास, सो द फॉर्मूला विल बी रिड्यूस इन टू पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. नाउ बेस्ड ऑन दिस देर आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी हैव टू नोटेड हियर. सो इफ द इवेंट ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ा था, अगर दो इवेंट ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है देयर शुड बी फाई, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई आना चाहिए. नाउ फाई की प्रोबेबिलिटी आ जाती है हमारे पास जीरो, दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी जीरो. सो अगर हम उसे फॉर्मूला में पुट करते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी वाला लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम जीरो पुट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला में उसकी प्लेस पर हमें जीरो पुट करना है, सो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी. एंड सिमिलरली अगर थ्री इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए बी एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, ए इंटरसेक्शन सी फाई होगा, बी इंटरसेक्शन सी फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो भी फाई होगा, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जीरो. सो दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनकी प्लेस पर हम जीरो पुट करते हैं, सो हमारा फॉर्मूला हमें मिलेगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी. नाउ अगर हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है अगर ए और बी एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी फाई मिलेगा, और अगर ए और बी एग्जॉस्टिव बनते हैं तो ए यूनियन बी हमें मिलेगा हमारा पूरा सैंपल स्पेस यू. सो फाई की प्रोबेबिलिटी जीरो आती है एंड पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू वो आती है वन. सो हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा हमें जीरो और पी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास वन. अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी एंड वो आ जाएगा हमारा वन. एंड सिमिलरली फॉर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी द फॉर्मूला विल बी रिड्यूस इन टू पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू वन. After discussing the law of addition of probability, we will discuss about the conditional probability. So the definition is given by, suppose U is a finite sample space and A and B are two events in it. अगर U हमारा finite sample space है और हमें कोई दो event दिए गए हैं A और B, so now the probability of occurrence of event B under the condition A is called conditional probability. अगर हम simple language में उसको अगर मैं बताऊँ आपको, so what is conditional probability? So अगर हमारे पास कोई दो event है A और B,
सो अकरंस ऑफ इवेंट बी अंडर द कंडीशन ए, उसका मीनिंग क्या होता है? अगर हमारे पास कोई दो इवेंट ए और बी है, सो इवेंट ए का होना फिक्स है, दैट मीन्स इवेंट ए अकर हो रहा है. जब ए इवेंट अकर होना फिक्स है, तब हमारी अकरंस ऑफ इवेंट बी, दैट मीन्स बी इवेंट बनने की चांसेस क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एंड सिमिलरली, अगर बी इवेंट फिक्स है, हमारा बी इवेंट अगर अकर होना ही है, सो उस टाइम पर ए इवेंट अकर होने के चांसेस क्या है, उस फाइंड करने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी, बी बनने की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ए, जब ए फिक्स है, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इफ द अकरेंस ऑफ इवेंट बी अंडर द कंडीशन दैट इवेंट ए अकर्स इज डिनोटेड बाय बी बाय ए. यहाँ पर हमारा ए वाला इवेंट फिक्स है, जब ए वाला इवेंट होना ही है अकर, सो बी इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी हमें बी बाय ए के तौर पर फाइंड करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, और उसकी फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, वेयर पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर ए फिक्स है हमारा इवेंट, सो बी इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा और पी ऑफ ए फाइंड करना होगा. सिमिलरली, अगर हमारा बी इवेंट फिक्स है, सो ए इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, द फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, वेर पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो वट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट्स? सो द डेफिनेशन इज गिवन बाय, सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन अ फाइनाइट सैम्पल स्पेस यू. अगर हमारे पास ए और बी कोई दो इवेंट्स है फाइनाइट सैम्पल स्पेस यू के, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट चेंज ड्यू टू अकरेंस ऑफ इवेंट बी. दैट मीन्स अगर बी इवेंट बनता है, सो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरंस, ए इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी को कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रही है. देन द इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. दैट मीन्स सपोज ए एंड बी, हमारे पास कोई दो इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरंस ऑफ इवेंट है, ए इवेंट बनने की प्रोबेबिलिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू द अकरंस ऑफ बी. बी इवेंट बनने पर ए की प्रोबेबिलिटी कुछ चेंज नहीं हो रही है, सो दैट ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट. सो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए बाई बी, बी फिक्स है, देन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए बाई बी डैश. और अगर हम सेकेंड तौर से फॉर्मूला लिखते हैं, सो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाई ए और पी ऑफ बी बाई ए डैश, द ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. हमने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो वॉट इज लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस यू, देन द रूल ऑफ ऑब्टेनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स ए और बी, हमारे जो इवेंट है वो साइमल्टेनियस बन रहे हैं, अकर हो रहे हैं, सो दैट विल कॉल एज अ लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं, सो इवेंट ए है हमारे पास गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस फर्स्ट टाइम. अगर हम फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करते हैं, सो हमारा इवेंट ए गेटिंग हेड के तौर पर डिफाइन किया गया है, एंड इवेंट बी इज डिफाइन एज गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस सेकंड टाइम. अगर हम सेकंड टाइम कॉइन को टॉस करते हैं, सो गेटिंग हेड, दैट मीन्स उस पर हेड आता है, दैट विल बी रिप्रेजेंट एज इवेंट बी. सो नाउ इफ द कॉइन इज टॉस टू टाइम, अगर टू टाइम कॉइन टॉस होता है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, दैट इज इवेंट ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है?
के ए और बी दोनों में अगर कोई सैंपल पॉइंट हमें मिल रहे हैं, सो वो कॉमन सैंपल पॉइंट के तौर पर हमें ए इंटरसेक्शन बी के राइट करना है. सो यहाँ पर अगर हम कॉइन को टू टाइम टॉस करते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन्स बोथ द इवेंट्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कैन बी ऑब्टेनिंग बाय द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड द लॉ इज गिवन बाय पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी बाय ए वेयर पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड सिमिलरली P of A intersection B is equals to P of B cross P of A by B where P of B not equal to 0. So now there are some important results based on the multiplication of probability. So the first one is if A and B are independent events, then P of A intersection B will be P of A cross P of B. That means agar A or B hamare paas independent events hai, so the probability will be found by P of A intersection B is equals to P of A cross P of B. Now next hai, the events A, if A and B are independent events, agar A or B independent hi hote hai, then the events A dash and B dash also independent. That means uske jo complement hume mil rahe hai, that will be also independent. So that will be given by P of probability will be found by P of A dash intersection P of B dash is equals to P of A dash cross P of B dash. अगर इवेंट ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट है, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी डैश. और अगर इवेंट्स ए डैश और बी इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी कैन बी फाउंड पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए डैश क्रॉस पी ऑफ बी. नाउ वी विल डिस्कस सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट and without replacement. So when the units are to be selected randomly one by one from the population, so the selection can be done in two ways. Agar hum population mein se kuch unit ko randomly select karte hai, so that selection can be done by two ways, selection with replacement and selection without replacement. So what is selection with replacement? So if the selection of unit from the population, that means अगर हम population में से कोई unit को select करते हैं, in any trial is done by replacing the unit selected in the previous trial back to the population. That means जब हम population में से कोई unit को select करते हैं, so before selecting that units, we are putting the units इन द प्रीवियस ट्रायल बैक. दैट मीन्स हमने जो प्रीवियस ट्रायल में से जो यूनिट सिलेक्ट किए हैं, अगर हमारे यूनिट्स को उसमें हम वापस पुट करते हैं, सो दैट सिलेक्शन इज कॉल्ड सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट. सो पॉपुलेशन में से यूनिट सिलेक्ट करने पर हमारी जो प्रीवियस ट्रायल में से हमने जो यूनिट सिलेक्ट किए हैं, सो हमारे जो सिलेक्टेड यूनिट है अगर हम प्रीवियस ट्रायल में वापस पुट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट. एंड सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स हमारे पॉपुलेशन में से हमने जो यूनिट सिलेक्ट किए हैं, उस यूनिट सिलेक्शन को प्रीवियस ट्रायल बैक में हम वापस पुट नहीं करते हैं. सो इफ द सिलेक्शन ऑफ यूनिट अंडर पॉपुलेशन इज एनी ट्रायल इज done by not replacing the unit selected, not replacing the unit selected, हम previous trial back में उसको replace नहीं करते हैं, so that selection is called selection without replacement. अब हम एक illustration solve करते हैं. so the question is a balance coin is tossed twice, एक coin को हम two time toss करते हैं. if the first toss of the coin shows head, then from the find the probability of getting head in the both tosses. So first toss हमारा coin show head कर रहा है, so हमें ऐसी probability find करनी है that getting head in both the tosses, दोनों tosses में head आना चाहिए. So first of all we have to write down the sample space. So अगर हम two coin को toss करते हैं, so हमें sample space उसका write करना है. So two coin का sample space हमारे पास आता है HH, HT, TH and TT.
आपको सैंपल स्पेस फाइंड करना मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में. सो हाउ कैन यू फाइंड द सैंपल स्पेस? वन कॉइन का एच टी मल्टी दूसरे कॉइन का एच टी, सो एच टी क्रॉस एच टी विल गिव अस एच एच, एच टी टी एच एंड टी टी. अब हमारे पास दो इवेंट को हम डिफाइन करते हैं. ए इवेंट इज गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस एंड बी इवेंट इज बोथ द टॉस इज गेटिंग द रिजल्ट हेड. सो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हेड फर्स्ट टॉस में आना चाहिए, दैट मीन्स पहले प्लेस पर एच आना चाहिए. सो हमारे पास दो इवेंट ऐसे हैं जहां पर पहले प्लेस पर एच आता है, वो इवेंट है हमारे एच एच और एच टी, दैट मीन्स टोटल टू है. सो टू फेवरेबल आउटकम हमारे पास टू है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स हमारे पास फोर है, सो दैट विल टू बाय फोर एंड टू बाय फोर विल गिव अस वन बाय टू आंसर. और हमारा जो इवेंट बी है टॉसिस ऑन बोथ द कॉइन, दैट मीन्स बोथ द कॉइन पर हमारा टॉस हेड आना चाहिए, सॉरी टॉसिस रिजल्ट इन हेड, दैट मीन्स बोथ द कॉइन पर हमारा हेड आना चाहिए. सो बोथ द कॉइन पर हेड आता है ऐसा हमारे पास एक ही सैंपल पॉइंट है, वो है हमारा एच एच. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आ जाएगी वन फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज फोर, सो प्रोबेबिलिटी विल बिकम वन बाय फोर. सो नाउ वी हैव टू फाइंड हियर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमारा ए इवेंट यहाँ पर फिक्स है और हमें इवेंट बी बनने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. सो ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होता है, गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस इंटरसेक्शन दैट मीन्स एंड गेटिंग हेड इन बोथ द टॉस. इंटरसेक्शन दैट मीन्स एंड आता है, सो फर्स्ट टॉस पर हेड आना चाहिए और बोथ द टॉस पर हेड आना चाहिए बोथ द कॉइन पर. सो दैट इज एच एच, हमारे एक ही सैंपल पॉइंट मिल रहा है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी वन डिवाइडेड बाई फोर, दैट मीन्स एक सैंपल पॉइंट है फेवरेबल आउटकम वन है डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम है हमारे पास फोर. सो पी ऑफ बी बाई ए हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए फिक्स है गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस और बी होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज गेटिंग हेड इन बोथ द टॉस होने की प्रोबेबिलिटी हम कंडीशन probability find कर सकते हैं by the formula P of A intersection B divided by P of A. So A intersection B हमने find किया है probability that is 1 by 4 and P of A हमने find किया है 2 by 4. So 1 by 4 and 2 by 4 हमारे पास answer मिल जाएगा हमें 1 by 2. So probability of getting head in both the tosses is 1 by 2.